पंजाब की सबसे खूबसूरत सिटी मोहाली के मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर 125 की फ्रंट पॉकेट में आपके लिए आज मैं 193 स्क्वायर यार्ड का एक बड़ा ही खूबसूरत सा विला लेकर आया हूं, जिसकी डायमेंशन लगभग 30x60 रहने वाली है। जब हम घर लेने के लिए निकलते हैं तो हम दो से तीन चीज़ों का मोस्टली ध्यान रखते हैं कि हमारी लोकेशन बढ़िया हो, हमारे पड़ोसी बढ़िया हो और हमारे घर में स्पेस काफ़ी अच्छा हो। तो आज का जो विला, आज की जो कोठी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इसमें आपके 4 बेडरूम 4 वॉशरूम प्लस आपका एक ऑफिस स्पेस और एक आपका बार का स्पेस यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे कोठी की तरफ। तो सबसे पहले आप देखोगे इसका खूबसूरत सा एलिवेशन, सेम यही आपको विला, यही कोठी आपको मैं डिलीवर करने वाला हूँ। जो आप देख रहे हो सेम एज इट इज़, बिल्कुल रेडी टू मूव, चाहे आप कल आकर रजिस्ट्री करवा सकते हो, सेम आपको एज इट इज़ हम डिलीवर कर रहे हैं, एज इट इज़ मिलने वाली है। उसके बाद आपको जो बर्म स्पेस है आपका, आप एक बार देख सकते हैं, आपको बर्म स्पेस काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो गाड़ियों की पार्किंग है वो आपको 2 से 3 गाड़ियों की पर्सनली पार्किंग मिलने वाली है। और बाहर हमने आपको एक गार्डनिंग का स्पेस भी दिया है, जिससे कि कोठी का जो लुक आता है, एलिवेशन का जो लुक आता है, काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर बढ़ने से पहले आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपका आयरन का गेट आपको यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर कलर के जो कॉम्बिनेशन हैं हमारे एलिवेशन में काफ़ी अच्छे यहाँ पे करे गए हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी गाड़ी की यहाँ पे पार्किंग देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे एक्सयूवी साइज़ की गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं। पर अगर मैं टू व्हीलर की बात करूँ तो टू व्हीलर का स्पेस काफ़ी है, इवन यहाँ पे आप एडजस्ट करके आप छोटी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। कोठी के अंदर 2 गाड़ियाँ आपकी ईजिली यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे आपको मिल जाता है, वॉशिंग एरिया मिल जाता है दोस्तों, बाहर का व्यू मिल जाता है। अगर मैं बाहर के सेक्टर्स की, बाहर की जेंट्री की बात करूँ तो बाहर की जेंट्री आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर जाने से पहले आपको इसका एक मेन पॉइंट और मैं बता देता हूँ, हमारी जो सीढ़ियाँ हैं वो हमारी बाहर से रहने वाली हैं। सीढ़ियाँ बाहर से रहती हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाती है कि हम अपना विला, अपनी कोठी, ऊपर वाला फ्लोर जो है, हम उसको रेंट आउट ईजिली कर सकते हैं, ताकि हमारे जो बजट है वो अपना एडजस्ट हो सके और ऊपर का फ्लोर का हम रेंट इजीली ले सकें। तो अंदर जाने से पहले आपको मैं दिखाऊंगा आपका मैच डोर यहाँ पे लगा हुआ है, काफ़ी हैवी वुडन के साथ मैच डोर बना हुआ है। उसके साथ मेन डोर पे आपको दोस्तों डिजिटल लॉक मिल जाता है दोस्तों, अच्छी कंपनी येल कंपनी का आपको यहाँ पर डोर मिल जाता है, लॉक मिल जाता है। जैसे ही आप एंटर करते हो बड़ा ही अच्छा व्यू आपको आपके डाइनिंग एरिया का आएगा दोस्तों। डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत डाउन सीलिंग यहाँ पर आपके लिए करी गई है, डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे आपके लिए करे गए हैं। और इसके बिल्कुल सामने आपको दोस्तों एलईडी कम क्रोकरी पैनल मिल जाता है और साथ में आपको पूजा पैनल यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। डिजाइन और जो चीजें हैं हर एक चीज हमने यहाँ पे आपको बनाकर दी है और पेंट्री भी हमने आपको साथ में यहाँ पे बना के दी है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन, जिसको कह देते हैं हम सिंक कह देते हैं, वो हमने जैगुआर कंपनी का आपको यहाँ पे लगा कर दिया है, ताकि आपके गेस्ट आते हैं तो आपके रूम की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे और आपके जो हैंड वॉश वगैरह यहीं कर सकें। इसके बाद आपको दिखाऊंगा दोस्तों आपका ड्राइंग एरिया। दोस्तों कुछ इस तरह का ये हमारा ड्राइंग एरिया रहने वाला है। ड्राइंग एरिया में वॉलपेपर, डाउन सीलिंग, आपका बाहर का वेंटिलेशन भी और बाहर का जो व्यू है इसी तरह रहने वाला है। और इसकी जो एंट्रेंस है दोस्तों, आपकी जो मैंने आपको पार्किंग दिखाई थी मेरी टू व्हीलर की पार्किंग, उससे इसकी एंट्रेंस भी आपको मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी किचन की तरफ। किचन की जो एंट्रेंस में पैनल लगे हैं, डाउन सीलिंग है, वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे किचन में भी करी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यू शेप की यहाँ पे आपको किचन मिलेगी, जिसका वेट एरिया और ड्राई एरिया बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग रहने वाला है। किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है, हमने चिमनी भी आपको लगा कर दी है, पैनल्स बना कर दिए हैं, स्पेस की कमी नहीं है, डबल हाइड्रोलिक्स यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके दिए हैं हमने। और किचन की वेंटिलेशन भी हमने दोस्तों ध्यान रखा है, किचन की वेंटिलेशन और इसका जो नेचुरल लाइट के लिए हमने यहाँ पे विंडो छोड़ दी है, ताकि आप बाहर का भी ध्यान रख सकें। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो जैसे ही मैं दोस्तों फर्स्ट बेडरूम में एंटर करता हूँ तो आपको सबसे पहले आपको खूबसूरत सा वॉलपेपर देखने को मिलेगा, वुडन के कलर डिज़ाइन कलर के जैसा आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा। डाउन सीलिंग आपको अच्छी दिखने को मिलेगी और इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों आपके वार्डरोब्स जो फुल हाइट तक हमने बनाए हैं, नीचे आपके शू रैक्स भी बनाए हुए हैं, ऊपर आपके ब्लैंकेट वगैरह या सर्दियों का कुछ सामान आपने रखना है, स्टोर करना है, उसके लिए हमने स्पेस आपके लिए बनाया है। ड्रेसिंग दोस्तों आपके लिए बना दी है हमने, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ड्रेसिंग है, कर्टन्स की पाइप्स लगी हुई हैं, मतलब हर एक चीज़ रेडी है, आपको जस्ट आपको अपना सामान लेकर आना है और यहाँ पे शिफ्ट करना है। पैनल भी आपके लिए दोस्तों बना दिया हमने,
और बात करूँ अगर मैं वॉशरूम की, दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत सा हमारा वॉशरूम वैनिटी के साथ हमने आपको बना कर दिया दोस्तों। प्रीमियम जैगुआर की सारी फिटिंग्स हमने यहाँ पे आपको लगा कर दी है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा गेट, ये हमें ले जाता है हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ। दोस्तों वॉशिंग एरिया एक घर का मेन पार्ट होता है, जिसमें हमने, जिसको हम बैकयार्ड भी बोल देते हैं, इसको हम वॉशिंग एरिया हाफ बनाकर और हाफ हम बैकयार्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे ग्रास लगाकर सेटिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन की कमी नहीं आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली वेंटिलेशन काफ़ी यहाँ पे अच्छी दी गई है, नेचुरल लाइट काफ़ी अच्छी दी गई है। इसके साथ हम चलते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो इसी के बिल्कुल साथ प्रॉपर प्राइवेसी में आपका सेकेंड बेडरूम आ जाता है दोस्तों। हर एक चीज़ दोस्तों सेम मिलेगी, कबर्ड सेम मिलेंगे आपको फुल हाइट तक, डाउन सीलिंग के डिज़ाइन डिफरेंट हो जाएंगे और आपका जो वॉलपेपर है उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद आपके जो एलईडी पैनल है उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट के लिए विंडो छोड़ी है हमने, आप देख सकते हैं दोस्तों हर एक चीज़ मतलब हमने सेम आपको यहाँ पे सेकेंड बेडरूम में भी दी है। अटैच वॉशरूम की बात करूँ तो दोस्तों अटैच वॉशरूम में टाइल्स का कलर चेंज हो जाता है, बाकी हर एक चीज़ वैनिटी वगैरह हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आपका ऑफिस स्पेस दिखाऊंगा। 200 गज के विला में आपने ऑफिस स्पेस बहुत कम देखे होंगे, तो दोस्तों ये आपका ऑफिस स्पेस आ जाता है, काफ़ी अच्छा ऑफिस स्पेस है। और इसका जो मेन इसका जो पॉइंट है वो हमने इसके एंट्रेंस जो है बाहर से दी है। अगर आप अंदर से किसी को नहीं लाना चाहते तो ऑफिस में हर बंदा अंदर से नहीं आएगा, तो बाहर से हमने इसको आपको गेट दे दिया है, यहाँ से एंटर है, यहाँ से एग्जिट नहीं होती। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था, अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर। दोस्तों मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जब मैं पहुंचा हूँ तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपकी जो सीढ़ियाँ, तो मैंने बोला था कि बाहर से जा रही हैं, माउंटी तक हमने सीढ़ियाँ बनाई हैं आपके लिए पूरी, और ये भी बाहर से हमने दिए। कल को आप ऊपर वाला फ्लोर एक और कंस्ट्रक्ट करना चाहो तो कंस्ट्रक्शन आप ऊपर कर सकते हो। यहाँ से एंट्रेंस रहेगी हमारे फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर में एंटर करोगे ना दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारा जो लेआउट है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे सेम रहने वाला है। आप एक बार एक्सप्लोर कर लो, सेम आपको लेआउट मिलने वाला है, बस आपको कलर डिफरेंट, आपको जो वॉलपेपर के कलर हैं, डाउन सीलिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको ड्राइंग एरिया में। तो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है तो ये हमारी बालकनी ऐड ऑन हो जाती है क्योंकि रूम के साथ कनेक्टेड रहेगी, जहाँ से आप जिसको रनिंग बालकनी बोल सकते हैं, और आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। आप बाहर की जेंट्री देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको जेंट्री मिलने वाली है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ऊपर का जो मैंने बताया था आपको बाहर का स्पेस जो है, जस्ट हमने जो ऑफिस स्पेस था हमारा उसके ऊपर जस्ट हमने बाहर का स्पेस यहाँ पे बनाया दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर बाहर के स्पेस में थोड़ा सा हमने इसमें क्या किया, हमने कि यूपीवीसी विंडोज आपके लिए लगा दिया जो कि आपको बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा मिल सके, और ये नॉइस प्रूफ रहेगा। यहाँ पे आप म्यूजिक भी चलाओगे तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप बाहर का एंजॉय कर सकते हो। बाहर का पैनल बना दिया हमने, वॉलपेपर लगा दिया, लाइटिंग कर दिया, बाकी इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जो लोग बाहर के नहीं शौकीन हैं वो इसको किड्स बेडरूम भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये हमारा डाइनिंग स्पेस है, हमारी किचन का स्पेस है सामने, और इस पर आप देख सकते हैं डाउन सीलिंग काफ़ी प्यारी है, बिल्कुल हटकर है। वैनिटी का कलर चेंज हो गया है, किचन का कलर चेंज हो गया है, और आप देख सकते हैं हमारे बेडरूम्स में हमारे इंटीरियर का कलर चेंज हो गया है। बाकी बिल्कुल सेम हम आपको हर एक चीज़ जो नीचे दे रहे थे वही हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे डिलीवर कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम आप देख लीजिए, इसके कलर बड़े प्यारे निकल कर आए हैं दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में जब हम घर बाय करना चाहते हैं तो ये चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस घर की सबसे खूबसूरत जगह पे, जो पर्सनली मेरे को भी पसंद है, मोस्टली हर एक बंदे को पसंद होती है, होप सो आपको भी पसंद आएगी। दोस्तों ये है इस विला का सबसे मेन पार्ट जो कि हमें फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में नहीं मिलता है, चाहे हम 1 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट भी बाय कर लें तो ये वाला फील हमें कभी नहीं कहीं नहीं मिलता है, जिसका नाम है दोस्तों रूफ। आप देख सकते हैं पूरी 200 गज की रूफ, 30x60 की रूफ हमें यहाँ पे मिलने वाली है। आप इसको किसी भी तरह अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, पूरी व्यू ले सकते हो पूरे सेक्टर का आप देख सकते हैं। और हाईवे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बिल्कुल आपका 7 से 8 विलास जुड़ गए, यहाँ पे मेन हाईवे आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। अगर इस घर में आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, इस घर को अपना बनाएं, विजिट प्लान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए मैं इसी चैनल पर लेकर आता हूँ।